जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाकया पेश आया तो ये शिया लोग तीन ग्रुप में तकसीम हो गए, कैसानिया, जैदिया और इमामिया। इमामिया का अकीदा है कि इमामत चलेगी तो सिर्फ खानदान बनी हाशिम के अंदर और अली और फातिमा की औलाद के अंदर ही चलेगी इमामत। हजरत अली की दूसरी बीवियों से जो बच्चे हैं उनके अंदर इमामत नहीं जा सकती। लेकिन जैदिया और कैसानिया का ख्याल था कि नहीं नहीं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हजरत फातिमा के अलावा जो दूसरी बीवियाँ हैं, जैसे कि मोहम्मद बिन हनफिया बहुत मशहूर हैं, हजरत इमाम हुसैन के भाई, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, लिहाजा मोहम्मद बिन हनफिया के अंदर भी खिलाफत यानी इमामत चल सकती है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी फातिमा के अलावा दूसरी बीवियों से